तो आज मैं मिसिस कांति कला, कोई मेरे पेशेंट्स हैं जो लिवर सिरोसिस से सफ़र कर रहे थे, तो उनकी बेटी है मेरे सामने। तो बताइए आपकी कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका और क्या उनको प्रॉब्लम थी, ज़रा एक्सपीरियंस सुनाइए। और ये बहुत अच्छा उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उनसे पूछा वीडियो बनाने के लिए, एंड शी इज़ रेडी। तो उनसे सुनते हैं, बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। ठीक है सर। 2021 दिसंबर, 1 दिसंबर को अच्छा मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा ब्लड वॉमिटिंग हुई थी, अच्छा और बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं, और हम इमीडिएटली मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए, अच्छा हॉस्पिटलाइज किया हमने मम्मी को। बट जिस हॉस्पिटल में हम ले गए वो जल्दी से डायग्नोज नहीं कर पाए। फिर उसके बाद हम यहाँ के एक और हॉस्पिटल है जॉली ग्रांट, वहां ले गए, तो फिर वो डायग्नोज हुआ मम्मी का। तो वहां पे भी मम्मी को 4-5 ब्लड वॉमिटिंग हुई थी। अच्छा तो हम बहुत घबरा गए थे कि शायद मम्मी हमारी मतलब बच ना पाए, बहुत ज्यादा सीरियस हो गई थी। तो जब अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो मम्मी का CLD निकला, उसमें क्रॉनिक डिजीज लीवर का, लीवर सिरोसिस निकला ओके था। ओके तो उस समय डॉक्टर्स ने भी मतलब बोला कि हम इस चीज को पहले बाद में ट्रीट करेंगे, पहले देखते हैं क्या क्या इनके और भी इनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और 8 यूनिट मम्मी को ब्लड चढ़ा था उस समय, तो बहुत ज्यादा मतलब हम भी घबरा गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड है मिस्टर पंकज थपलियाल, तो उन्होंने वो काफी सर्च कर रहे थे कि सिरोसिस है तो इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि एलोपैथी में तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो ओके बस यही बोल रहे थे कि हम इसको स्टॉप कर सकते हैं और ये धीरे धीरे से आपका बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे। बट जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने बोला कि इसका एक ही ट्रीटमेंट मुझे ऐसा दिखता है कि आयुर्वेदा में ही आप जाएंगे और वहीं पे आपको रिजल्ट मिलेगा, इसका ट्रीटमेंट आयुर्वेद में ही है। तो सर हम लोगों ने काफी रिसर्च किया, फिर आयुर्वेद में भी बहुत सारे वैद्य हैं, हम लोग जानते नहीं थे कौन सबसे बेस्ट है क्या है। तो फिर हमने आप ही का जितने भी टेस्टिमोनियल्स वगैरह है वो सारे हमने देखे यूट्यूब में, और हमने काफी सर्च किया। आपकी जो मेडिसिन वगैरह है उसमें भी हमने सर्च किया कि मतलब वास्तव में ये कितना मतलब इफेक्टिव है। कई लोग होते हैं जैसे चूर्ण वूरण दे दिया, कुछ दे दिया, एक ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था। हाँ बट जब हमने आपका देखा तो हमें बहुत ज्यादा विश्वास मतलब हुआ कि हाँ हम यहाँ जा सकते हैं, आपकी मेडिसिन आउट ऑफ कंट्री जा रही है तो हम इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो 11th of Jan को हमने मतलब अप्लाई किया था मेडिसिन के लिए, और मेरे हस्बैंड आए थे पर्सनली आपसे मिलने के लिए, अच्छा मम्मी के सारे टेस्ट वगैरह लेके कि ओके ये प्रॉब्लम है, और आपने बोला था ये ठीक हो जाएगा, और अदरवाइज तो कोई भी नहीं बोल रहा था। इतने एलोपैथी डॉक्टर्स को हमने दिखाया और कंसल्ट किया, एक के बाद एक ओपिनियन लिया, बट नहीं हो पा रहा था कुछ भी, कि सब यही बोल रहे थे आप स्टॉप कर सकते हैं, हम इसको क्योर नहीं कर सकते। बट आप फर्स्ट थे जिन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक हो सकता है, नहीं, मैंने और देखा है ना, मेरे साथ। हाँ जी मैंने अपने पेशेंट्स में देखा है, जो फाइब्रो स्कैन के रिजल्ट आते हैं वो डाउन आते हैं, ठीक होते हैं, और जी लोग सर, बहुत, और भी उनके भी वीडियोस हैं। तो हाँ फिर जी आपने सर, फिर फाइब्रो स्कैन वगैरह करवाया था उस समय, कब की बात है, जनवरी 2020 की बात आप। हाँ जी सर। फिर जो हमने फर्स्ट मम्मी का फर्स्ट फाइब्रो स्कैन, क्योंकि आपके जितने भी हमने यूट्यूब में जितने भी हमने टेस्टिमोनियल्स वगैरह देखे, तो उसमें एक बात तो साफ थी कि फाइब्रो स्कैन तो करना ही करना है। ठीक है तो आपके पास आने से पहले हमने 6th of Jan को मम्मी का फाइब्रो स्कैन कराया था, उसमें मम्मी का 27.8 KPA आ गया था मतलब जो लीवर की एग्जैक्ट कंडीशन थी वो 27.8 KPA थी। फर्स्ट उसके बाद आपने शुरुआत बोला में। था कि 1 month बाद आप कराना दोबारा फाइब्रो स्कैन, ठीक है ठीक तो है हमने 1 month बाद जब कराया तो फिर 25th of Feb को करवाया था, जो घट के 22.6 KPA आ गया था मम्मी का 1 month में। तो मतलब फिर हमारा विश्वास और दृढ़ सत्ताईस हो से गया बाईस था उस सत्ताईस से समय। बाईस हो गया। हाँ हाँ जी, 22 22 हो गया था, 25 फरवरी को, 1 महीने बाद 22 हो गया ठीक था। है। फिर सर ऐसी कंडीशन आई, आपको पता ही है लॉकडाउन था, बहुत ही तगड़ा वाला लॉकडाउन था, बाहर भी नहीं निकल सकते थे, सब चीजें बंद हो गई थी। तो मम्मी की मेडिसिन भी उस समय 1.5 महीना 2 महीना आप समझ सकते हैं बंद रही मम्मी की, क्योंकि वो आई नहीं, चंडीगढ़ से मंगानी पड़ती थी। तो उस स्टेज में मम्मी का थोड़ा सा यहाँ पे थर्ड जो फाइब्रो स्कैन हमने कराया था मई में, वो थोड़ा बढ़ गया था।
एलोपैथी दवा भी बंद हो गई थी और आयुर्वेदा भी बंद हो गई थी, कोई मेडिसिन नहीं चल रहा था, तो उस स्थिति में कंडीशन थोड़ी सी बढ़ गया था। मतलब 29 हो अभी गए हमने थे। जो लैपटॉप करवाया है सर, उसमें आपने मम्मी आपने का मुझे बताया था कि उस 30 से 18.4 आ गया सर, अब अब जो 18 आ हमने गए। लेटेस्ट करवाया। अच्छा चलो, ये बहुत अच्छा तो आपको हमने रिजल्ट सर कोई भी, मिला। जो आपने बोला था कि ट्रीटमेंट रुकना नहीं चाहिए, उस समय मुझे पता आपसे स्लॉट लिया था और आपने कहा था कि आप 2 महीने की 3 महीने की एक साथ दवाई मंगा लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन कभी भी लग सकता है। तो सर हम 2 2 मंथ्स की एक साथ मंगाते थे दवा, तो वो तब से मम्मी का रेगुलर चल रहा है ट्रीटमेंट, कोई हमने मेडिसिन रोकी नहीं है। और रिजल्ट ये है कि 18.4 आ गया मम्मी का 30 से। मतलब बीच में 30 हो गया था जब दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो गई लॉकडाउन की वजह से। जी सर, उस समय बढ़ गया था क्योंकि कोई भी दवा नहीं थी, ना एलोपैथी चल रही थी ना आयुर्वेदा चल रही तो थी, 30 के तो बाद उस जब कारण आपने थोड़ा सा आयुर्वेदिक मम्मी। शुरू की तो 30 से सीधा 18 आ गया, 18। हाँ जी सर, आप 30 से 18.4 आ चलो, गया सर। आपको कुछ दवाइयाँ याद हैं मतलब जो अभी भी आप खा ही रहे हैं? अभी तो खैर 18 भी ज़्यादा ही है, तो सर दवाइयाँ ये बताइए। मम्मी तो पूरा जो आपका लीवर किट चलता है, भूमि आंवला, एक्नेशिया, शतावरी और लीवर डिटॉक्स, हाँ ये सारी दवाइयाँ जो आपका पूरा लीवर पैकेज है वो मम्मी पूरा लेती है। चलो इस और लीवो हाँ प्लान, एक सिरप वगैरह सर आपका जो आपका यहाँ से ही बनता है वो लीवो प्लान, वो हाँ भी रेगुलर सिरप वगैरह चलते हैं सर मम्मी के। ठीक। अच्छा, मैं कुछ ऐड, ये इस तरह के टेस्टिमोनियल्स तो बहुत हैं हमारे ऑलरेडी, तो हाँ टेस्टिमोनियल जी सर, वीडियोस बहुत बने हुए हैं, पेशेंट्स को काफ़ी फ़र्क पड़ता है लिवर सिरोसिस में। तो मैं कुछ ऐड करना चाहता था क्योंकि आप वेजिटेरियन हैं, मैं आपने मुझे बताया था, जी तो सर, आप जी सर, वेजिटेरियन जी सर, हैं, तो वेजिटेरियन जो है उन, क्योंकि लिवर सिरोसिस में तो अल्ब्यूमिन बोलते हैं डॉक्टर्स कि एग वाइट खाओ या नॉन वेज खाओ। मैं भी कई बार बोल देता हूँ अपने पेशेंट्स को यस जो सर, नॉन वेजिटेरियन है कि आप यस सर, एग यस वाइट सर, खाओ यस या सर, अल्ब्यूमिन चढ़ाते हैं। तो आप चूंकि आयुर्वेदिक हैं और कुछ आप चूंकि वेजिटेरियन हैं, तो कुछ रेसिपीज मैंने भी लिखी हैं, वो अपने पेशेंट को मैं बताऊंगा। कुछ आप बताइए कि सबसे पहले कि क्या क्या आप बना के देते थे अपने मदर को जिससे उनको फर्क पड़ा। पहले तो सर हमने जैसे मम्मी के सारे दूध के प्रोडक्ट्स तो सारे बंद थे, तो ठीक है। मतलब हम मम्मी, और मम्मी मेरी वेजिटेरियन भी है, तो मम्मी को हम दूध का कुछ नहीं दे सकते थे। बट हाँ, इसके लिए हम टोफू जो था, हम मम्मी के लिए टोफू जरूर प्रेफर करते थे, किसी भी रूप में हम चाहते थे कि ठीक है मम्मी इसको ले, तो या उसके स्लाइसेस को हल्का सा सेक के दे दो आप टोफू को, या किसी ठीक है चीज में डाल के, या ठीक है उसका हल्का सा उसको ग्रेट करके उसका पराठा टाइप का बना के रोटी में भर के, आप जैसे पनीर पराठा बनता है उस तरीके से आप दे सकते थे। तो हमने ये टोफू रेगुलर रखा है जब से मतलब वो था। चलो। और दूसरा सर आटा, जो आप ही ने सजेस्ट किया था कि व्हीट ग्रेन जो आटा होता है उसमें चने की दाल और सोयाबीन और बाजरा और गेहूं, आप ये सब ऐड करके एक कंप्लीट आप एक आटा बना के दे सकते हैं, जिससे आपको मतलब प्रोटीन, आपको रिच प्रोटीन मिलेगा। तो उसकी दो दो चपातियां हम मॉर्निंग में और लंच के टाइम और डिनर के टाइम मम्मी को देते थे। तो ठीक ये है। हमने मतलब रेगुलर रखा है। आपने तीसरा जी सर, जो आपने ड्राई फ्रूट्स को लेते थे कि आप 5 बादाम भिगा के, अंजीर, ये हम रेगुलर मम्मी को देते थे। और अब हमने दो दो डेट्स देना भी शुरू कर दिया है सर, भीगे हुए सोक करके, ओवरनाइट सोक करके वो अब हम देते हैं मॉर्निंग में। और मेथी का पानी, जो मेथी दाना होता है उसको भिगा के रात को भिगा देना है और अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको वो लेना है। तो अपनी मम्मी को हम वो मतलब पूरा प्रॉपर जो एक था डाइट, उसको हमने पूरा फॉलो करवाया था, तो वो अभी भी जो चल रहा है। आप चूंकि थोड़ा कुकिंग जानते हैं, तो मैं अपने दर्शकों से ये बताना जी चाहूँगा कि सर, कुछ और चीज़ें भी हैं जो आटे के अलावा जो है वो क्या कर सकते हैं। एक तो आटा है, उसका कंपोजिशन मैं बताना चाहूँगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है अपने जी पास। सर, हाँ तो जी, 40% जो जो गेहूं मिक्स कर लीजिए, व्हीट का आटा, उसको व्हीट बोलते हैं। तो 10% जो है चने का आटा, बेसन जिसको, ब्लैक ग्राम या फिर चिक पीज फ्लोर, जो चिक पीज जी होते सर, हैं ना, सफ़ेद चना या काला चना, उसका आटा बना के, हाँ जी बेसन सर, बना के 10% वो लीजिए, 40% गेहूं हो गया और 20% सोयाबीन। तो सोयाबीन जी 20% सर, हो गया, उसका पाउडर बना लीजिए, और 10% बाजरा जिसको ब्लैक मिलेट या पर्ल मिलेट बोलते हैं इंग्लिश में। जी सर, तो हाँ मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ फॉरेन के भी पेशेंट्स हैं अंग्रेज, तो उनको जी भी सर, ये
समझ में आ जाए, ब्लैक और पर्ल मिलेट बोलते हैं बाजरे को, तो बाजरा हो गया, जी और सर, कॉर्न 10% मक्की का आटा डाल लीजिए उसमें, आटे में, जी और सर, 10% ज्वार, इसको सोरगम या व्हाइट मिलेट भी बोलते हैं, ज्वार की हाँ रोटी जी, खाते हैं ना हमारे इंडिया में, तो हाँ दस जी सर, परसेंट हाँ वो जी सर, तो 10% वो हो गया, 10% कुट्टू का आटा, जो कुट्टू हम नवरात्रे में लेते हैं, हाँ जी, लाइट चली गई है लाइट आपकी आपके यहाँ पे लाइट सर। चली गई है, कोई बात नहीं, एक काम होल्ड कर लेता हूँ मैं इसको, नहीं सर, मैं बरामदे में आ जाती हूँ, कोई हाँ बात आप थोड़ा नहीं, बाहर चले इट्स जाइए, ओके सर, बाहर आ रही हूँ सर। हाँ बस ठीक है, आ गई लाइट, इट्स ओके, ओके सूरज से बढ़िया चीज़ तो कोई भी नहीं जी सर, है ना, तो हाँ जी सर, ज्वार का जो है 10% जो है व्हाइट मिलेट उसको बोलते हैं, 10% आटा वो हो गया, 10% कुट्टू का आटा, बक व्हीट फ्लोर, उसको बक व्हीट फ्लोर हाँ बोलते जी हैं जी अंग्रेजी में, तो ये सर, जो आटा है ये मैंने खुद से सोच के समझ के प्लान करके कि कैसे कौन सा आटा हो जो पानी को सुखाएगा, जो साइटस होता है हाँ ना जी उसको सर, सुखाने के लिए ये वाला आटा है, और ये हाँ वेजिटेरियन जी के लिए सर, भी अच्छा है क्योंकि ये इसमें कुछ भी ऐसा नॉन वेज नहीं है, तो ये हाँ जी, आटा रेगुलरली इससे रोटी बना करके यूज़ कर सकते हैं, राइस भी यूज़ कर सकते हैं, राइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, खिचड़ी वगैरह दे सकते हैं, और ओट्स की खिचड़ी बना करके पेशेंट ज़रूर खाएं, आप बताइए कि कैसे बन सकती है, ओट्स या फिर सूजी या दलिया की, इस दलिया की ब्रोकन व्हीट बोलते हैं दलिये को, इन तीनों की आप बताइए कि जी कैसे हम बना सकते हैं, ओट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सर, जैसे ओट्स है तो वैसे कई लोग सोचते हैं कि हम इसको मीठा ही मतलब ले सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, आप उसकी खिचड़ी बना सकते हैं बहुत अच्छी। मुझे ऐसा लगता है अगर उसको हेल्दी बनाना है तो उसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, कोई भी वेजिटेबल आप ले सकते हैं, आप गाजर ले लीजिए, मटर ले लीजिए, फूल गोभी ले लीजिए, ब्रोकली ले लीजिए, जो भी आपको फेवरेट है अच्छा आप उसको ऐड कर सकते हैं। और उसको जैसे आप खिचड़ी बनाते हैं प्रॉपरली, थोड़ा सा नहीं, जीरे का तड़का, मैं उसमें अनियन का, ऐड, अच्छा जीरा अनियन का तड़का लगाए, और मैं उसमें हाँ ऐड जीरा करूंगा कि डाल, सोयाबीन की जो होती है चंक्स वो भी डाल चंक्स, लें, हाँ जी सर, वो तो बहुत, हाँ जी चंक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो ऐड कर ही सकते हैं, प्रोटीन रिच होता है, तो आप उसको थोड़ा सा ऐड करके और इसको आप मिक्स करके, जैसे खिचड़ी नॉर्मल बनती है उसमें 2-3 विसल लगाइए और आपका बहुत अच्छा सा खिचड़ी तैयार हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है पेशेंट, हमने अपनी मम्मी के साथ देखा है कि वो थोड़ा, उनका बहुत सारी चीजें बनती, हल्दी बनती, टमाटर बनता, तो हमने चीजों में वेरिएशन लेके आए कि हम कैसे मम्मी को अलग अलग तरीके की वेजिटेबल्स खिला सकते हैं, तो हम इस तरीके से करते थे। ऐसे ही ब्रोकन व्हीट का खिचड़ी है, उसमें भी हमने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके, चंक्स वगैरह जैसे आप बोल रहे हैं, उसमें भी प्याज जीरे का तड़का लगा के 1 स्पून ऑयल में ठीक दो है, तीन सीटी लगाइए और बहुत ही टेस्टी, यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनती है, अच्छा और पेशेंट के साथ साथ आप खुद भी खाएंगे, हम भी खूब इंजॉय करते थे मम्मी के साथ दैट्स गुड, ऐसे बना के। तो इस सूजी का कैसे बन सकते, सूजी का कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सर सूजी का तो उपमा बहुत फेमस है, जो हमारे इंडियंस होंगे वो जानते ही होंगे, हाँ जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं तो सेमोलिना, उनके लिए थोड़ा सेमोलिना नया बोलते हैं है, ना इंग्लिश में, सेमोलिना सेमोलिना। का, जी सर, उसमें भी आप 1 टेबल स्पून आप ऑयल ऐड कर दीजिए, जीरा डाल दीजिए, नट्स डाल सकते हैं, और आप उसको नमकीन मतलब मसाले मसाले डाल के आप बना सकते हैं। उसमें भी अगर आप रिसेंटली कुछ वेरिएशन लाना चाहते हैं तो हाँ नमकीन बन जाता है सर, वो ठीक है सेमोलिना जरूरी नहीं हलवाई बनेगा, उसका नमकीन बन जाता है सर। ठीक है ठीक है, और एक मैं ऐड करना चाहूँगा इस डिश के अलावा, जो मखाने होते हैं वो पेशेंट को जरूर खिलाएं, जो सूखे मखाने होते हैं, हाँ जी, हाँ जी सर, फॉक्स नट बोलते हैं उसको, जो सूखे, उसको रोस्ट नहीं करना, रोस्ट बेशक कर लीजिए परंतु उसको तलना नहीं हाँ है कुछ, जी, उसमें नमक नहीं डाला हाँ डालना जी, क्योंकि हाँ इसमें जी, हाँ लिवर जी, सिरोसिस में ना पानी बढ़ता है, तो नमक नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना, जी सर, तो जी और कोई सर, बीमारी हाँ साथ जी, में है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, तो उसकी दवाइयाँ जो चल रही हैं वो साथ में चलने दीजिए, तो जी मखाने सर, खा सकते हैं, और इसके वही अलावा सर, हाँ जी, जो ओट्स का जैसे डिस्कस कर लिया, अवीना सटाइवा इसको लैटिन में बोलते हैं, ओट्स के तो वैसे ही प्रोटीन रिच है वो जी भी, सर, तो वो यूज़फुल है, हाँ जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो रेसिपीज़ आपने बताई हैं और जो आटा जी हमने सर, बताया पेशेंट्स को, और ख़ास हाँ करके जी एक सर, दो डेट्स, अच्छा आपने बताया कि 2 डेट्स, 5 बादाम और 2 अंजीर, ये भी देते थे आप, जी सर, ये डेली सर मॉर्निंग में, हाँ ये अभी तक भी चल रहा है, रेगुलर चलता है, ये तो हमने कभी स्किप नहीं किया है, ठीक, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि मॉर्निंग आपको वीकनेस है, आप इतने बीमार रहते हैं तो आपको थोड़ी सी ताकत तो चाहिए, तो ये बहुत हेल्प करता है आपको, मतलब आपकी एनर्जी को वो बूस्ट करने के लिए, तो
तो ये मॉर्निंग में हम बहुत, मतलब ये अभी तक रेगुलर है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि हमने कोई लापरवाही तो बरती है। नेचुरल और एक एल्ब्यूमिन जो मेथी है ना, दाना, हाँ मेथी दाने का भी बताया हाँ आपने, जी सर, तो ये, हाँ जी सर, ये एल्बुमिन बढ़ाने के लिए सर हमने यही, ये जो सोया चंक्स हो गए और टोफू हो गया, टोफू रेगुलर, टोफू हमने बिल्कुल बीच में स्किप नहीं किया है, ठीक है। हम पैकेट्स ला के रख देते थे और उसे उसका पराठा हो गया या सब्जी में मिक्स करके हो गया या उसके स्लाइसेस तवे में हल्का सा सेक के काला नमक अच्छा डाल के अच्छा वैसे ही आप वो। और हाँ सर, एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, मूंग के स्प्राउट्स वो बहुत हेल्प करते हैं आपको ये एल्बुमिन बढ़ाने के लिए, आपके प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा तो अच्छा मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि जो हरी मूंग के जो स्प्राउट होते हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा अपने डाइट में मतलब ऐड करें। उसमें भी हमने वेरिएशन लेके आए, स्प्राउट्स को भी हम भिगाते थे मिक्सी में ग्राइंड करके, उसका चीला टाइप का बना के मम्मी को देते ओके थे। ओके ओके, बेसन के चिल्ले में वो डाल मिक्स कर सकते हैं, है ना। हाँ जी सर, जैसे आप चीला बनाते हैं ना, जैसे आपने ग्रीन दाल को ओवरनाइट सोक किया उसका बना सकते हैं, आपके पास स्प्राउट्स पड़े हुए हैं आप उसको मिक्सी में वो करके आप उसका चीला बना के, वो भी आप नाश्ते में सुबह एक चीला, थोड़े से स्प्राउट, अंजीर, बादाम, ये सब आप ले सकते हैं। तो मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हम मतलब कुछ ऐसा नहीं खा रहे हैं जिससे हमें वीकनेस हो रही है। चलो ये दैट्स मेरा वेरी अपना गुड। पर्सनली रहा। नहीं आपने बहुत अच्छे से अपने मदर का ट्रीटमेंट किया है, उनको हैंडल किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनका जी बाकी सर, का भी प्रॉब्लम जो थोड़ी बहुत बची है वो ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा बताया हमारे पेशेंट्स को, और थैंक मैं यू सो उम्मीद मच करता सर। हूँ कि बाकी के पेशेंट्स को भी आयुर्वेद के बारे में थोड़ा विश्वास बनेगा इससे, जैसे आपका बना था। जी सर, जी सर, चलिए मुझे ऐसा लगता है सर आयुर्वेद में बहुत लोग पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को थोड़ा बहुत भी अगर सर्दी खांसी भी होती है तो हमें एलोपैथी के बजाय आयुर्वेद में ही जाना चाहिए। वो हमारी हेल्थ को लेके भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एलोपैथी दवाई होती है वो किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म नहीं कर सकती है, आयुर्वेद, आपको जड़ से खत्म नहीं करेगी हाँ एलोपैथी जो दवाइयां होंगी, लेकिन हाँ आयुर्वेदा उस चीज को जो आपको प्रॉब्लम है उसको जड़ से ही खत्म कर देगी। आयुर्वेद तो मुझे ये लगता है कहता सबको इस चीज है, पे जानना है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि प्रॉब्लम आती ही नहीं है अगर आप आयुर्वेद को फॉलो कर लो। प्रॉब्लम जी सर, दवाई की हाँ जरूरत जी नहीं सर, पड़ती, इवन आयुर्वेदिक दवाई की भी हाँ कोई जी जरूरत सर, नहीं पड़ती है। आयुर्वेद का हाँ जी मतलब सर, है आयु का वेद, मतलब हाँ नॉलेज जी ऑफ लाइफ, जीवन का ज्ञान। तो जी जीवन सर, का ज्ञान दिया भगवान ने हमें आयुर्वेद के रूप में, उसमें बताया कि सुबह कितने बजे उठो, शाम को कितने बजे हाँ जी, सो, खाना कितनी बार खाओ दिन में, कितना खाना हाँ खाओ, जी, क्या अपनी प्रकृति के हिसाब से अपने आप को जानो, अपनी प्रकृति के हिसाब जी से सर, खाना खाओ, अपने हिसाब से जीवन को आहार विहार विचार ये सब ठीक रखो तो आप बीमार नहीं हाँ जी, पड़ोगे, एक्सरसाइज करो रेगुलरली, जी सर, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना आयुर्वेद की दवाई की, ना एलोपैथी की दवाई की, ना किसी और चीज़ की, ये, हाँ है जी सर, ना। ये बात तो तो बिल्कुल ये तो सही हम है, अपना बट हाँ आहार जी, विहार चेंज हाँ कर जी, लेते हैं ना, ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, ज़्यादा कुछ लोग शराब जी पीते सर, हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी जी सर, एक्सरसाइज नहीं करते, या ज़्यादा हाँ चपातियाँ जी, खाते हैं और ज़्यादा खाना खाते हैं उससे शुगर हो जाती है, तो ये सब चीज़ें आहार विहार से ही होती है, ठीक है कि जी नहीं। सर, थैंक चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यू सो मच सर, थैंक थैंक यू। यू, ओके थैंक यू।